हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे क्यों भगवान शिव या शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। आपसे में कई भगवान शिव के भक्त होंगे और अक्सर शिवलिंग पर जल, पुष्प, दूध, बेलपत्र इत्यादि अर्पित करते होंगे। क्या आपने कभी ये विचार किया कि बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा को अपूर्ण क्यों माना जाता है? आइए इसका कारण जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के शिवलिंग को बिल्व वृक्ष के नीचे स्थापित करके हर दिन सुबह सुबह जल चढ़ाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि बिल्व वृक्ष के दर्शन या स्पर्श मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। बेलपत्र के विषय में लोगों का यह विश्वास है कि जो मनुष्य पवित्र मन से भगवान शिव को दो या तीन बेलपत्र अर्पित करता है, वो भवसागर से मुक्त हो जाता है। ऐसा भी मानते हैं कि भगवान शिव को अखंडित बेलपत्र चढ़ाने वाला भक्त मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के धाम चला जाता है। बेलपत्रों में से 2 से 11 दल होते हैं। जितने ज़्यादा दल हों, वो बेलपत्र पूजा के लिए उतना ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इस विषय में कई कथाएं प्रचलित है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक पौराणिक प्रसंग है। प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों दोनों ने मिलकर सागर मंथन किया था। सागर मंथन के दौरान समुद्र से कई चीजें निकाली। इनमें से कुछ अच्छी थी और कुछ बुरी। इसी मंथन के फलस्वरूप समुद्र से हलाहल नामक विष भी निकल आया, जो इतना भयानक विष था कि इसके प्रभाव से पूरे संसार का विनाश हो सकता था। इस विषय से संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इस विष को पी लिया और यह विष उनके कंठ में रह गया, इसीलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी हो गया। इस विष के प्रभाव से भगवान शिव का मस्तिष्क गर्म हो गया और वो बेचैन हो उठे। देवताओं ने उनके सर पर जल उड़ेला तो उनके सर की जलन तो दूर हो गई, लेकिन कंठ की जलन बनी रही। इसके बाद देवताओं ने उन्हें बेलपत्र खिलाना शुरू किया, क्योंकि बेलपत्र में विष के प्रभाव को खत्म कर देने का गुण होता है। इसीलिए शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। बेलपत्र के महत्व के विषय में एक कथा शिवरात्रि से भी जुड़ी हुई है। प्रसंग यह है कि एक बार एक भील शिवरात्रि की रात को अपने घर नहीं जा पाता है और पूरी रात एक बिल्व के वृक्ष पर बिता देता है। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग होता है और पेड़ पर सोते सोते उस भील के हाथों बार बार बेलपत्र टूटकर उस शिवलिंग पर गिरते रहते हैं। सुबह जैसे ही उस भील की नींद टूटती है, उसे भगवान शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। भगवान शिव उससे कहते हैं कि उसने पूरी रात उन्हें बिल्व पत्र चढ़ाकर प्रसन्न कर दिया है, इसीलिए वो उसे सुख संपत्ति का वरदान देते हैं। तभी से भक्त भगवान शिव की उपासना के लिए बिल्व पत्र विशेष रूप से चढ़ाने लगे। इसी प्रकार की जानकारियां लेने के लिए देखते रहें हमारा रोचक फैक्ट्स चैनल। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है।